इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। हेल्थ की समस्या और लॉकडाउन की वजह से आर्थिक समस्या, ये दो चक्कियों के पाटों में इंसान पीसने लगा। लॉकडाउन की वजह से जो गरीब तबका था, जिन्हें बाहर निकलना बहुत मुश्किल, क्या खाना क्या पीना, कैसे अपनी जिंदगी का निर्वाह करना, ये उनके लिए बहुत ही मुश्किलदायक था। और घरों में रहने की वजह से उनके खाने पीने की समस्या उनको सताने लगी। तो जिनके पास पैसा है वो कैसे भी करके अपनी जिंदगी को जी लेते हैं। तो ऐसे पैसे वाले लोग सोचने लगे कि हम खाए और हमारा पड़ोसी भूखा रहे, ये कहाँ तक मुनासिब है। इसलिए हमारे वड़गांव के दारे भले दारे ये जो एजुकेशन ट्रस्ट है, हम सब साथियों ने बैठकर सोचा कि हमारे साथी भी हमारी तरह ही जिंदगी जिए, खुशहाली की जिंदगी जिए, आनंद और उत्साह के साथ वे रहे, ये सोच कर हम सब ने एक तरह से उनको कुछ ना कुछ हमारे तरफ से देने की छोटी सी कोशिश रही है। और आज उस कोशिश को आज हमारे जो गणमान्य व्यक्ति आए हुए हैं उनके हाथों के द्वारा हम देना चाहते हैं। इन गणमान्य व्यक्तियों को हम इसलिए बुलाए कि हम इनको दिखाना नहीं चाहते कि हम भी दे रहे हैं करके, बल्कि उन्होंने अपना जीवन पूरा के पूरा सोसाइटी के लिए समर्पित किया है, तो वो कहीं कमजोर ना पड़े। हम भी उनके साथ हैं, हम आपके छोटे भाई हैं, आप हमारे बड़े भाई हैं, और हम भी आपके साथ सहयोग के लिए तैयार हैं। आप बहुत बड़े प्रमाण में करते हैं, हम कम से कम छोटे प्रमाण में ही सही हम आपका साथ देने के लिए तैयार हैं। ये दिखाने के लिए आज हम यहाँ वड़गांव के हिंदू मुस्लिम जो गरीब तबका है, जो आर्थिक व्यवस्थाग्रस्त तबका है, उनको देने के लिए आज यह एक छोटा सा कार्यक्रम हमने यहाँ पर आयोजित किया है।